एवरीवन, मैं हूं सफी हैदर। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स स्कूल। तो जैसा मैंने रीजनिंग और इकोनॉमिक्स के जो नई सीरीज है वो स्टार्ट करी थी, तो आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक जितना पहुंचाएंगे उतना मैं इंस्पायर होऊंगा और मैं इस चीज को और भी अच्छे से कर पाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है इस निवेदन को कबूल कीजिए, और उसके साथ में जितना ज्यादा आप देखेंगे, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं वो एक नंबर आपको मिलेगा, और दूसरी चीज उसमें आपको कोई दूसरी चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अगर एक बार इस चीज को देख लेते हैं। तो आइए हमारा आज का लेसन शुरू करते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस की तरफ कि माइक्रो और मैक्रो में आखिर अंतर होता क्या है। तो जैसे हमने माइक्रो और मैक्रो का अर्थ वगैरह ये सारी चीजें एग्जांपल वगैरह हमने देखा था, तो आप चाहे तो या तो माइक्रो और मैक्रो के अर्थ और एग्जांपल से और इनसे भी कुछ अंतर बना सकते हो। जैसे अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ होता है क्या, माइक्रो का सूक्ष्म होता है, मैक्रो का व्यापक होता है, एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर जो माइक्रो होती है वो व्यक्तिगत इकाई से रिलेटेड होती है, जबकि मैक्रो है वो किससे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। यहां पर आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अध्ययन करते हैं किसी भी चीज का, जैसे मान लो मेरी इनकम का अगर अध्ययन हो रहा है कि मेरी इनकम का अध्ययन करना है, तो वो अध्ययन आएगा माइक्रो में। एक विशेष बंदा है, एक उपभोक्ता है, एक उपभोक्ता मार्केट में कुछ भी चीज लेने गया, उसने क्या डिमांड करी, तो एक उपभोक्ता का अध्ययन आएगा माइक्रो में। लेकिन अगर मेरे साथ में चार जने और जुड़ गए, हम पांच जनों का अध्ययन हुआ कि हमने क्या डिमांड करी, तो वो आएगा मैक्रो में। तो इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो ये माइक्रो और मैक्रो में मेन डिफरेंस होता है। अब यहां पर डिफरेंस कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको वहां पर ही बताया था, जो माइक्रो होती है वो कीमत से संबंधित होता है, यानी कीमत उपकरण जो है वो मेन रोल अदा करता है माइक्रो में, क्योंकि हम जाते हैं कीमत जो निर्धारित होती है वो माइक्रो के अंदर होती है, जबकि सामान्य कीमत स्तर निर्धारित होता है मैक्रो में, ठीक है ना। तो माइक्रो में हम कीमत के अकॉर्डिंग डिमांड देखते हैं, जबकि मैक्रो यानी जो समष्टि होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं आय और रोजगार के अकॉर्डिंग क्या फर्क पड़ा। तो जो माइक्रो होता है वो कीमत सिद्धांत होता है, मैक्रो होता है वो आय सिद्धांत होता है, ये भी मैंने आपको अर्थ में कल बताया था। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है एक व्यक्तिगत इकाई व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा, एक व्यक्तिगत इकाई यानी मेरा अध्ययन माइक्रो में और हम सबका अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो में, ठीक है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कंप्लीट है। कीमत उपकरण यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा किसी भी चीज का हम अध्ययन करेंगे तो कीमत को ध्यान में रख के करेंगे, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम आय को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये चीज भी आपके लिए क्लियर है, यानी अगर इनकम से रिलेटेड कोई अध्ययन किया गया चार जनों का, पांच जनों का, तो वो किस में आएगा, समष्टि में, और अगर कीमत से रिलेटेड किसी एक बंदे का अध्ययन किया गया तो वो आएगा किस में, माइक्रो यानी व्यष्टि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, आंशिक संतुलन। जब आंशिक संतुलन, जो व्यष्टि में जो संतुलन होता है वो संतुलन आंशिक होता है, क्योंकि एक बंदे के बारे में जब हम किसी भी चीज के बारे में पता करेंगे, मान लो आप इकोनॉमिक्स को अलग छोड़ दो, किसी भी चीज के बारे में आप पता करेंगे, तो वो एक तरीके से एक केवल आपके पास नमूना होता है ना। तो नमूना जो है वो कुछ समय के लिए ही आपके पास रह सकता है, जबकि समष्टि जो है वो नमूना नहीं होकर पूरा एक तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था होती है। तो उसमें जो संतुलन होता है वो संपूर्ण होता है, सामान्य होता है। तो व्यष्टि के अंदर आंशिक संतुलन और समष्टि के अंदर सामान्य संतुलन या पूर्ण संतुलन, ठीक है ना, ये सामान्य संतुलन, ओके। आगे, बचत लाभकारी होती है व्यष्टि में जबकि अलाभकारी होती है समष्टि में। इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, इसको बचत विरोधाभास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बचत विरोधाभास। कैसे बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि बचत, जब मान लो मैं अकेला बंदा बचत कर रहा हूं, कोई दो बंदे बचत कर रहे, तीन बंदे बचत कर रहे, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लोग ज्यादा बचत करने लग जाए तो एक तरीके से कंजप्शन जो है वो कम होगा, कंजप्शन कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था काफी नीचे चली जाएगी, मंदी की ओर चली जाएगी। तो इस वजह से एक व्यक्ति मैं बचत करूंगा तो वो लाभकारी है, लेकिन सभी लोग अगर ज्यादा बचत करने लग जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर चली जाएगी, क्योंकि कंजप्शन कम होगा, लोग कंज्यूम कम करेंगे वस्तुओं को, और कंज्यूम कम करेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो पैसा मार्केट में नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मंदी आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बचत लाभकारी होती है व्यष्टि में, जबकि बचत अलाभकारी होती है समष्टि में, ये भी इसका डिफरेंस होता है। उसके बाद संतुलन की स्थिति में अध्ययन किया जाता है किसका, व्यष्टि का, और असंतुलन की स्थिति में अध्ययन किया जाता है समष्टि का। यानी संतुलन,
एक बंदे के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उत्पादक के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन जो होता है वो संतुलन की अवस्था में कि भाई यहाँ पे ये संतुलन हो रहा है अब हमें अध्ययन करना है। लेकिन समष्टि में क्या करते हैं हम कि असंतुलन किसी चीज में हो गया तो वो अब वापस संतुलन कैसे आएगा और उस असंतुलन की स्थिति का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समष्टि में बहुत से होते हैं, व्यष्टि में तो केवल एक होगा, एक होगा तो उसकी हम संतुलन की स्थिति की व्याख्या करेंगे, लेकिन समष्टि में बहुत से होते हैं तो वहां पे कोई संतुलन में हो सकता है तो कोई असंतुलन में हो सकता है, यानी यहाँ पे जो व्याख्या करेंगे वो हम करेंगे अध्ययन किसमें, असंतुलन की स्थिति में कि। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं, मेन डिफरेंस, ठीक है ना। उसके साथ में मैंने कुछ आपको डिफरेंस और बताया, शाब्दिक अर्थ, सूक्ष्म व्यापक, एक व्यक्तिगत इकाई, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, या फिर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग के इसके एग्जाम्पल होते हैं, एक उपभोक्ता एक उत्पादक, इसका होता है राष्ट्रीय आय कुल बचत, तो ऐसे भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं अपन आगे, आर्थिक विश्लेषण की कुछ विधियां होती है। आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां होती है इस पे डिपेंड करता है कि हम अध्ययन कैसे कर रहे हैं, हम अध्ययन कैसे कर रहे हैं। आर्थिक विश्लेषण की मेथड्स हमें बताते हैं कि हमें अध्ययन कैसे करना है। तो इस विधियों को हम मुख्य रूप से तीन भागों में, मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल वाइज समझा रहा हूँ, आपका एक भी टॉपिक, एक भी वर्ड जो है वो राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से छूटने वाला नहीं है। आप अगर स्कूल में नहीं भी पढ़ते हो, पढ़ना चाहिए वैसे आपको, आप अगर स्कूल का घर पे आके नहीं भी पढ़ते हो, अगर इस लेक्चर को देख लेते हो, सही ढंग से रिवाइंड करके एक बार और देख लेते हो, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आर्थिक विश्लेषण की विधियां को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो निर्भरता के आधार पर डिपेंडेंट, एक समय यानी टाइम के अकॉर्डिंग, और एक होता है किसके अकॉर्डिंग, वो होता है उपकरण के अकॉर्डिंग, के उपकरण और दिशा क्या होगी आर्थिक विश्लेषण की, ठीक है ना। तो पहली चलते हैं हम निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर जो आर्थिक विश्लेषण की विधियां है वो दो प्रकार की होती है, वो दो प्रकार जो होते हैं वो होते हैं एक तो आंशिक और एक होता है सामान्य। अब यहां पर ये चीज अपन ने जब कल देखी थी आंशिक व्यष्टिगत अध्ययन, आंशिक समष्टिगत अध्ययन, वहां जो बताई थी वही चीज यहाँ पे लागू होती है, यानी एक कारक को ध्यान में रखकर किया गया अध्ययन वो कहलाता है आंशिक, और सभी कारकों को ध्यान में रखकर या अन्य दूसरे कारकों को ध्यान में रखकर किया गया अध्ययन कहलाता है सामान्य, ठीक है ना। तो निर्भरता के अकॉर्डिंग आंशिक होता है जहां पर एक कारक को ध्यान में रखकर किया गया, जैसे कीमत बढ़ी तो मांग में क्या परिवर्तन आया, तो कीमत एक कारक की वजह से हमने मांग पर अध्ययन देखा। सामान्य यानी अन्य कारकों के अनुसार, यानी कीमत के अकॉर्डिंग मांग पर क्या प्रभाव आया, और इनकम बढ़ी या घटी तो उससे मांग पर क्या प्रभाव आया, यानी हमने दो कारक ले लिए, एक तो ले लिया इनकम और एक ले लिया कीमत, इन दोनों से क्या परिवर्तन आया मांग पर, तो क्या हो गया ये सामान्य अध्ययन हो गया, ठीक है ना। तो एक तो होता है सामान्य और एक होता है आंशिक, ये दोनों आपके समझ में आ गया। निर्भरता आर्थिक विश्लेषण कैसे करते हैं, निर्भरता के आधार पर, आंशिक और सामान्य। दूसरी चीज होती है समय के आधार पर, समय के आधार पर भी अपन ने कल देखा था एक तो होता है स्थितिक, एक होता है प्रावेगिक, एक होता है तुलनात्मक। यहां पर तीनों वर्ड समझ जाना, स्थितिक यानी स्थिर अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, प्रावेगिक यानी गतिशील अवस्थाओं का अध्ययन, और तुलनात्मक यानी दो अवस्थाओं की तुलना, ठीक है ना। इतना सा है, इनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है हमारा स्थितिक, प्रावेगिक और तुलनात्मक, ठीक है ना। तो देखिए आप, स्थितिक यानी किसी विशेष बिंदु पर किया गया अध्ययन, विशेष बिंदु यानी स्थिर अवस्था का, ठीक है ना। दूसरा तुलनात्मक यानी दो अवस्थाओं की गई तुलना, ठीक है ना। तीसरा प्रावेगिक यानी गतिशील अवस्थाओं में किया गया अध्ययन। तो ये समय के आधार पर तीन प्रकार का, सबसे मेन जो होता है वो होता है उपकरण और दिशा के आधार पर। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं निगमन और आगमन विधि। क्या बोलते हैं? निगमन और आगमन विधि। अब इसमें क्या होता है, निगमन और आगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि जो होती है उसमें जो उपकरण होता है विश्लेषण करने का वो होता है तर्क, यानी तर्क के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, हम तर्क के अकॉर्डिंग हम तर्क करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष निकालते हैं, सामान्यकरण करते हैं, ठीक है ना। और दिशा जो होती है इसमें वो होती है सामान्य से विशेष की ओर, यानी पहले हम सामान्य चीजों का अध्ययन करते हैं फिर हम विशेष की ओर जाते हैं, सामान्य से विशिष्टता की ओर, ना कि विशेष से सामान्य की ओर, किसमें? निगमन विधि में। और उपकरण क्या होता है? तर्क, तर्क वितर्क करते हैं, इसीलिए इसको तर्क विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क विधि। और इसको निराकार विधि भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा काम में नहीं आती है, मतलब ज्यादा काम में तो आती है लेकिन एक तरीके से इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसको निराकार विधि भी कहते हैं, या फिर इसको काल्पनिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक, ठीक है ना।
और दूसरा होता है आगमन विधि। आगमन विधि में हम क्या करते हैं, तथ्य और समंकों का सारा लेके हम निष्कर्ष निकालने के लिए किसका सारा लेते हैं, तर्क वितर्क का नहीं, तथ्य जो हमारे पास मौजूद है, जो हमारे पास एक तरीके से लिखित रूप में है, जो हमें पता है, उन तथ्य और समंकों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें जो दिशा होती है वो विशेष से सामान्य की ओर होती है, यानी पहले हम विशिष्ट चीजों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम सामान्य चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आर्थिक विश्लेषण की कुछ विधियां होती है, इसमें मेन ये वाली है, ये आपको जरूर याद में रखनी है। बाकी ये दोनों एक तरीके से आपने लास्ट वाले वीडियो में भी देखी थी, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे, मुख्य आर्थिक समस्या आती कैसे है ये समस्या, तो सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिएगा। आवश्यकता असीमित, बताया था आपको, संसाधन सीमित होने से उन असीमित आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करें, यही तो समस्या होती है। उन सीमित संसाधनों से हम असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, यही तो समस्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आवश्यकता असीमित कैसे होती है, आपके पास साइकिल है, आपकी आवश्यकता बढ़ी, आपने बाइक ली, बाइक आपने आपकी आवश्यकता बढ़ी, आपने कार ली, आपकी आवश्यकता बढ़ी, लग्जरी कार ली, तो इस तरीके से आपकी आवश्यकता क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है। उन अनलिमिटेड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो सीमित है, वो लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड नीड्स जो है उनको कैसे पूरा करेंगे, यही तो आर्थिक समस्या है, यही मुख्य आर्थिक समस्या है। तो यहाँ पे आप जो समस्या आती है, सबसे पहले अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके बाद जो समस्या आती है वो ये आती है कि हम जो काम करें उस काम में समय का आवंटन कैसे हो, ठीक है ना। से बाद में चलते हैं अपन, उसको पहले अर्थ देख लीजिए। विभिन्न आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकता सीमित साधनों या संसाधनों द्वारा समाधान करे, यही मुख्य आर्थिक समस्या है। यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम किन आवश्यकताओं को पूरा करें, यही तो हमारे पास समस्या है, क्योंकि हमारी आवश्यकता बहुत सी है, कौन सी आवश्यकता हम पूरी करें, यही समस्या है, ठीक है ना। अब ये जो समस्या है ये चुनाव से संबंधित होती है, क्योंकि हम क्या देखेंगे, कौन सी आवश्यकता पूरी करे, कौन सी, यानी हम चयन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चुनाव की समस्या बोलते हैं। अब ये जो चुनाव है ये हमें किन किन के बीच करना पड़ता है, तो ये हमें तीन चीजों के बीच करना पड़ता है। कितनी चीजों के बीच, तीन चीजों के बीच। वो तीन ही चीजें हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो चयन की समस्या होती है वो होती है समय के आवंटन की। समय का आवंटन का मतलब होता है कि हम जो चुनाव करें वो काम का करें या फिर आराम का करें, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन है तो अभी तो कुछ हमारे पास काम ही नहीं है, तो घर में रहना है, तो फिर आपको आराम ही करना है, यानी चयन की समस्या है ही नहीं कि भाई आराम ही करना है, जब खुलेगा तब जाएंगे काम पे, तब हमारे पास ये रहेगा भाई कितने घंटे काम करें। तो काम और आराम के बीच समय का आवंटन कैसे करें, तो ये भी चयन की समस्या है, काम को चुने या फिर आराम को चुने। सेकंड समस्या आ जाती है संसाधनों के आवंटन की, यानी जो संसाधनों का आवंटन है वो हम कैसे करें, संसाधन किस काम में कौन सा लगाए, वो भी एक समस्या होती है, ठीक है ना। और समाधान खोजने की थर्ड समस्या क्या होती है, समाधान खोजने की। ये जो समाधान खोजा जाता है, पीपीसी वक्र, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसके द्वारा, या फिर अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के द्वारा। एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो सेकंड वीडियो चल रहा है, इसके बाद थर्ड वीडियो आएगा, उसमें भी आपको थ्योरी ही पढ़नी है। इसका लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी नहीं, एक्चुअली पीपीसी वक्र पढ़ेंगे हम, जो मेन टॉपिक है इसका पीपीसी वक्र, वो इसके बाद वाले वीडियो में आएगा। इसके बाद ये चैप्टर क्योंकि इंट्रो था इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपने माइक्रो मैक्रो सारी चीजें देखी, इस वजह से आपको थ्योरी थोड़ी ज्यादा लगी होगी, लेकिन उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स आने लगेगी, आपको पता चलेगा हाँ इकोनॉमिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिक्स कोई भी एक तरीके से हवा नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो हमारे लिए एक डार्लिंग की तरह है, इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक प्यार की तरह है। वहां से आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी, अभी भी आ रही होगी, मैं होप करता हूं आपको अभी भी आ रही होगी, लेकिन थ्योरी पार्ट जब हटेगा तो फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। सेकंड चैप्टर से हमारे सारे वक्र, इकोनॉमिक्स में मेन चीज ही वक्र होते हैं, वक्र के साथ आप पढ़ेंगे, वक्र समझ गए तो आप पूरी इकोनॉमिक्स समझ गए। तो वो आपके थर्ड वीडियो से इसके बाद वाले वीडियो से पीपीसी वक्र, उसके बाद फिर वक्र कैसे बनते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे, और वक्र के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर, अब चलते हैं हम जो लास्ट टॉपिक, समाधान खोजने की। समाधान हम किससे खोजते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत से। अवसर लागत क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अवसर लागत का मतलब होता है कि हम किसी एक को छोड़े तो दूसरी की कितनी इकाइयां पाए, वो अवसर लागत होती है। तो वो चीज क्या होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तीन समस्याएं आती है जिसको हम चयन की समस्या बोलते हैं, तीन तरीके की होती है। उसके बाद आती है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है आप जानते होंगे, वह क्षेत्र या वह ढांचा जहां पर हम वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। आर्थिक क्रियाएं जिसमें
कोई भी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया हो, द्वितीयक क्षेत्र की हो, तृतीयक क्षेत्र की हो, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है जैसे कृषि खनन, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है विनिर्माण क्रियाएं, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा वगैरह ये सारी चीजें आती है। तो यही क्या है, यही आर्थिक क्रिया है जो धन से लेन देन करती है, यानी एक तरीके से मनी का ट्रांजेक्शन होता है, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो वह ढांचा जहां पर वैधानिक तरीके से यानी कानूनी तरीके से हम आर्थिक क्रियाओं को एक तरीके से संपन्न करते हैं वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तीनों कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए, वैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, तीनों ही आई थी, ठीक है ना। वह ढांचा जिसमें लोग वैधानिक तरीके से आर्थिक क्रिया करके जीवन यापन करते हैं, ठीक है ना, ये तो आप समझ गए। तीनों आपने 11th में पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पूंजीवादी, यहाँ पर जो उत्पादन और साधनों पर जो नियंत्रण होता है वो प्राइवेट जो कंपनियां होती है उनका होता है, निजी क्षेत्रों का होता है। और यहाँ पर समाजवादी में गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर नियंत्रण। और मिश्रित में दोनों का सम्मिलित रूप होता है, बस नॉर्मली इतना ही आपको समझना है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं पूंजीवादी समाजवादी। उदाहरण अगर आप देखें तो पूंजीवादी में आप अमेरिका ले सकते हो, समाजवादी में आप भारत ले सकते हो, पाकिस्तान ले सकते हो, बांग्लादेश ले सकते हो, समाजवादी में आप रूस ले सकते हो, समाजवादी नहीं है भारत तो मिश्रित है, समाजवादी में आप रूस ले सकते हो, फ्रांस ले सकते हो, ये समाजवादी है जहां पर पूरी तरीके से गवर्नमेंट है। और मिश्रित में भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, कुछ भी आप लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, आज के टाइम में कोई भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो पूरी तरीके से समाजवादी हो या पूरी तरीके से पूंजीवादी हो, सभी अर्थव्यवस्था लगभग मिश्रित है, क्योंकि कुछ ना कुछ नियंत्रण सरकार का भी होता है, कुछ ना कुछ नियंत्रण प्राइवेट यानी निजी क्षेत्रों का भी होता है, ठीक है ना। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी जहां पर पूरी तरीके से या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो या पूरी तरीके से प्राइवेट क्षेत्र का कंट्रोल हो, ठीक है ना। तो सभी जगह लगभग यही वाली अर्थव्यवस्था जो है वो पाई जाती है, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अलग अलग अर्थव्यवस्था में वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जो समाधान है वो अलग अलग होता है, क्या होता है वो चीज भी अभी अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले वो केंद्रीय समस्या क्या होती है वो देख लेते हैं। क्या उत्पादन करें, पहली समस्या क्या उत्पादन करें, यानी जब आपको सिर्फ उदाहरण के अकॉर्डिंग बताता हूं कि जब किसान खेत में कोई भी फसल बोता है, यहाँ पर आप सिर्फ खेत ना ले, दूसरा प्रोडक्शन सभी इसी में आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि खेत में जब वो फसल बोता है तो वो ये देखता है कि मैं कौन सी फसल बोऊं, क्या उत्पादन करूं, मैं गेहूं उत्पादित करूं, मैं सरसों उत्पादित करूं, क्या उत्पादन करूं जिससे मुझे अधिक से अधिक एक तरीके से प्रॉफिट हो या अधिक से अधिक मैं एक तरीके से लाभ कमा सकूं, तो क्या उत्पादन किया जाए। तो यहां पर दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक तो होती है उपभोग वस्तु, एक होती है पूंजीगत वस्तु मुख्य रूप से। तो प्रोड्यूसर जो भी होता है उसके सामने ये समस्या आती है कि मैं कौन सी वस्तु उत्पादित करूं, पूंजीगत या फिर उपभोग वस्तु, ठीक है ना। अब उसका समाधान पूंजीवादी में क्या मिलता है, समाजवादी में क्या मिलता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन उसका किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक लाभ मिल रहा हो या कम से कम लागत आ रही हो। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी प्राइवेट होता है, उसको अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है, ठीक है ना। समाजवादी उसका उत्पादन करता है जिससे समाज का कल्याण ज्यादा हो, जिससे जनता का कल्याण ज्यादा हो, तो ऐसी वस्तु उत्पादित की जाती है, ठीक है। फिर सेकंड समस्या और मिश्रित में दोनों का मिश्रित रूप यानी दोनों के संतुलन बिठाकर उत्पादित की जाती है। कैसे उत्पादन करें, दूसरी समस्या यानी उत्पादन की तकनीक क्या हो, उत्पादन किस तकनीक से की जाए। मेनली दो प्रकार की तकनीक होती है, श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान, यानी श्रमिकों के द्वारा किया जाए उत्पादन या मशीनों के द्वारा। पूंजी प्रधान का मतलब होता है मशीनों के द्वारा, ठीक है ना, या फिर दोनों के सम्मिलित, वैसे दोनों का सम्मिलित प्रयास ही होता है, दोनों के सम्मिलित प्रयास में किसे ज्यादा एक तरीके से काम में लिया जाए, श्रम प्रधान ज्यादा लिया जाए या पूंजी प्रधान ज्यादा लिया जाए, तो उसका डिसीजन भी अलग अलग होता है। पूंजीवादी में पूंजी प्रधान तकनीक ज्यादा प्रयोग में ली जाती है ना, और समाजवादी में श्रम प्रधान तकनीक, क्योंकि ये समाजवादी ये ध्यान रखता है कि लोग बेरोजगार ना हो, अगर श्रम प्रधान नहीं लेंगे तो लोग बेरोजगार होंगे। तो इस तरीके से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, किसके लिए उत्पादन करें, यानी जनता के लिए अधिक से उत्पादन करें या अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए उत्पादन करें, वितरण किसको हो, धनी वर्ग को हो या गरीब वर्ग को हो। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो तो उसको वितरण करती है जिसका उत्पादन में योगदान ज्यादा है या जो ज्यादा उसको लाभ प्रदान करे, समाजवादी उसको वितरण करती है जो कि जनता का कल्याण के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से इन तीनों समस्याओं का सॉल्यूशन है वो इन अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। तो ये आपके लिए आज के टॉपिक रहे। पीपीसी वक्र क्या होता है, अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो है वो हमारी मेन इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, वैसे तो हो चुकी है, पीपीसी से ही स्टार्ट हो जाएगी। यहां आपने कुछ टर्म समझिए, अच्छी बातें समझनी चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।